नमस्कार दोस्तों, मायावती ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है और उन्होंने मोदी की तारीफ की है। तो क्या मायावती बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर के 14 लीडर्स की बैठक को बुलाने को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पे जम्मू कश्मीर के संबंध में वहाँ के 14 लीडर्स की कल यानी कि 24 जून को बैठक जो है उचित पहल है। करीब 2 साल के बाद की बैठक के बाद कुछ ठोस फैसले निकल सकते हैं, इससे जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली भी होगी। अब मैं बता दूं आपको कि असली बात क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होगी। नानुकुर के बाद कश्मीर के राजनीतिक दलों संगठन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर के नरम रूप दिखाया है। 5 अगस्त 2019 को लेकर के केंद्र ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर राज्यों के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उसके बाद राजनीतिक हालात अस्थिर हो गए थे, ज़्यादा बड़े नेता नज़रबंद हो गए थे। अब मोदी की मुलाकात को केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम करने के लिए सभी दलों से बात करने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। और इसी सीक्वेंस में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी एक टिप्पणी करी सोशल मीडिया पर। और मायावती ने ये भी उसमें लिखा है कि BSP की सलाह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के लिए नए प्रसिमन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहाँ आम चुनाव आज जैसे मुद्दे हैं जिस पर देश की निगाहें लगी हुई हैं। मायावती ने सलाह देते हुए ये भी कहा कि केंद्र को अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्थिति को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए मायावती कहती हैं कि जनहित, जन सुरक्षा व जन कल्याण को संवैधानिक दायित्व स्वीकारना होगा। हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के खोरी गांव में बरसों से बसे लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मोदी के प्रयास हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, इनके अच्छे नतीजे निकलेंगे और ये देखने की बात है कि मायावती ने ये किस सीक्वेंस में इसको जोड़ा है, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। और फिलहाल इतना ही, और कोई अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। जय हिंद, जय भारत।